ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਲ ਤੋਂ ਚੌਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਯੰਮੀ ਚੌਲ ਬਿਨਾਂ ਫਰਾਈ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਲੀ ਚੌਲ ਲਵਾਂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਲੀ ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਮਿਕਸਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੌਲ ਧੋ ਕੇ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। देखो बिना ऑयल तो मैं चौल बना रही हाँ। तो हूँ मैं ये एक कौली चौल सीगे तो तीन कौलियाँ मैं ये पानी ऐड करांगी। यही कौली नू नाप के मैं तीन कौलियाँ होर पानी दिया पा देवांगी। ये हुण असीं जिहड़ी प्यूरी तैयार की सी टमाटर प्याज की उहनू भी असीं इहदे विच पा देवांगे। ए मैं तीन टमाटर और तीन प्याज ले सी, उहनां दी प्यूरी बनाई सी मैं। तो इहदे विच असीं दो चम्मच नमक ते पा देवांगे। तो हुण असीं इहनू अच्छी तरह मिक्स कर लवांगे। चंगी तरह असीं इहनू मिक्स करना। मिक्स करके असी इहदी सीटी लगाने लई कुकर बंद कर देना वै। तो असी सिर्फ एक सीटी ही लगवानी है, उस तो बाद साडे रोल चौल असी खोल के देखांगे रेडी हो जाएंगे। तो हुण देखो तुसी, मैं सीटी लगा के तुहानू दिखांदी हां। देखो तुसी सारे, कोई कह सकदा है कि ये बिना ऑयल तो चौल ने बहुत अच्छे, बहुत यम्मी चौल बने ने। अगर तुसीं ऑयल तुहानू नहीं अच्छा लगता, तुसीं नहीं खाना चाहते, कोई भी ऑयल ना पाओ। इस तरह असीं कोई भी चौल बना सकते हैं। तो जे तुहानू मेरी वीडियोज़ पसंद आंदियां ने तो मैनूं लाइक, शेयर एंड सबसक्राइब मेरे चैनल नूं जरूर करना। तो कमेंट्स बॉक्स में दसना कि तुहाडे चौल किदां दे बने, अगर तुसीं इदां दे बनाओगे तो मेरे चौल की रेसिपी तुहानू किदां दी लगी। ओके, बाय गाइज़।